से होते हुए आगे की जाने बढ़ रहे हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां। डेढ़ मिनट का बना रहा हूं। उनके बच्चे जो है सलामी देते हुए, इनके लिए भी जोरदार तालियां। तमाम बच्चे जो है उनके बच्चे यहाँ पर आए हुए पुलिस और आर्मी के नौजवान भाइयों, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों और अजीज बच्चों, अस्सलामु अलैकुम आदाब। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम यहाँ अपने हिंदुस्तान का 77वां युग में आज़ादी मनाने के लिए जमा हुए हैं। आज हमारे मुल्क एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक हर कोई भारत जिंदाबाद का नारा लगा रहा है। ये वाकई ही आज़ादी और वतन से मोहब्बत का एहसास है, लेकिन हम सब जानते हैं कि आज़ादी मुश्किल है। इन सब के पीछे सदियों की कुर्बानी और जदोजहद है। जिस सरजमीन पर हम सांस लेते हैं वो हमारे अजीम इंसानों की कुर्बानियों की वजह से है, जिनमें जिनकी क़यादत मुशाहिद शख्सियात ने की, जिनमें गांधी जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना मोहम्मद अली, जो फिर मौलाना हसरत मोहानी, सुभाष चंद्र बोस अहम हैं। आज़ादी एक तोहफा है, तारीख गवाह है कि इस सरजमीन के लिए हमारे आबाओ और अजदाद ने कैसी कैसी कुर्बानियाँ दी। लोगों के हकूक के लिए हमारे रहनुमा चट्टानों की तरह खड़े रहे, कहीं बार कैद हुए, बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ा, वो फिर भी पीछे नहीं हटे। इस आज़ादी का सहरा हमारे अजीम लीडरान को जाता है, जिन्होंने आवाम के हकूक के लिए कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने हर सुकून को तर्क कर दिया और आज़ादी की हमायत की। और सबसे अहम बात ये थी कि किसी भी गैर मुल्क हिंदुस्तानी के लिए गैर मुल्की ताकतों की गुलामी में रहना एजाज नहीं था। आज हमारा मुल्क तरक्की के नए नए मरहले से गुजर रहा है। हमारे पास बहादुर फौज की एक बड़ी जमात